नरेंद्र जी, आपने बताया कि आपने मोबाइल की दुनिया में कदम रखा, कंज्यूमर प्रोडक्ट को बेचना, उसका ब्रांड बनाना, और साथ में जो विदेशी कंपनियां हैं जिनके पास अरबों का पैसा है, पैसा, उनके साथ टक्कर लेना आसान नहीं था। लेकिन आपने ऐसे कौन से बाजार ढूंढे जिससे आपका अपना कारोबार बढ़ता चला गया? आपने क्या सोच थी आपकी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, हम जानते हैं जितने भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बड़ी है, उनका ज़्यादातर ध्यान उन लोगों की तरफ रहता है जिनके पॉकेट में पैसे ज़्यादा हैं, है ना, चाहे वो कोई भी MNC ले लें। और कंज्यूमर ड्यूरेबल की या मोबाइल की बात नहीं है, किसी सेगमेंट में ले लें। जबकि इंटेक्स ने शुरू से ये ध्यान रखा। हमारा एक इंटेक्स का एक वो जो विजन स्टेटमेंट है वो कहता है कि मेक इंटेक्स ए ग्लोबली रेस्पेक्टेड नेम, दूसरा इम्प्रूव लाइफ ऑफ पीपल। तो हमारा ट्रू मायने में जो विज़न है इंटेक्स का कि भी हम ऐसी चीज़ें लेके आए जो आम जनता तक पहुंच पाए। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल फीचर फ़ोन ले, हम आज स्मार्टफोन जितना मर्जी सस्ता कर दो आप, लेकिन गाँव के अंदर जो आदमी उसको यूज़ करता है वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है स्मार्टफोन, बहुत से कारण हो सकते हैं उसके। तो हमने फीचर फ़ोन गांव-गांव में पहुंचाया, आज हर जगह आप देखेंगे इंटेक्स का फ़ोन आपको दिखेगा। तो हमने स्ट्रैटेजी ये लगाई कि भाई जो सही भारत है, एक्चुअल हिंदुस्तान है, जो गांव में है या जिसको आजकल एक बड़ा ये चल रहा है भी टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4, जो 6 बड़े महानगर हैं उसको छोड़ के जो दुनिया है और जो देश है उस पर आपने जाके सही में भारत बसता है जी, वहाँ हमने उनको माल पहुँचाया। हमने यहाँ तक किया भी वहाँ, हमें पता कि क्योंकि हम भारतीय, हम समझते हैं कि उनकी क्या हाथ में मिट्टी लगी रहती है उनके, तो हमें पता कि अगर फ़ोन को आपने मिट्टी से नहीं बचाया, ऐसा फ़ोन नहीं बनाया जो मिट्टी में भी चल जाए तो काम नहीं है। चार्जिंग का एक प्रॉब्लम होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, क्योंकि बिजली होती नहीं हर जगह, होती नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएट इतना करता है, अचानक 300 वोल्ट पे पहुंच जाएगा तो कभी सिर्फ 80 वोल्ट पे। तो हमने ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करी जो उनके साथ चल सके, और एक फिर मान लो ख़राब हो गया तो वो क्या करे, तो हमने ऐसा नेटवर्क बनाया सर्विस का कि उसके घर के पास जाके हम उसको सर्विस दे सके। इसलिए आज इंटेक्स तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, दो चीज़ें आपने की, एक तो जो आपने फ़ोन ऐसा बनाया जो आम आदमी है उसकी ज़रूरत से जुड़ा हो, उसका दाम भी उसी हिसाब से रखा हो, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि अगर उस तक पहुँचेगा नहीं तो बड़े शहर में बेचना आसान है लेकिन छोटे कस्बों में बेचना मुश्किल है, तो उसके लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी? देखो, काम बड़ा मुश्किल है। एक तो ये होता है कि भी आप फॉर एग्जांपल कश्मीर में ले लें, बारामूला है, हमें पता है कि किस तरह का टेंशन रहता है वहाँ पर, कितना दूर है, उसके बावजूद भी हमने वहाँ माल पहुँचाया, फिर वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस देनी है, टाइम लग जाता है। तो अपने अरुणाचल प्रदेश में ले लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट, या UP में ले लीजिए, अंदर गाँव के अंदर हम कहीं जाएँ, केरला रहा, महाराष्ट्र रहा, कहीं भी गांव में जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट उसका फल भी आज हमको मिल रहा है। आपने ये भी निर्णय किया कि फ़ोन को आप भारत में बनाएंगे? बिल्कुल, जबकि उसका आयात ज़्यादा आसान होता जी, तो ये क्यों निर्णय लिया आपने? इसके दो कारण हैं। एक तो हमेशा मैंने कहा कि मुझे भारत से बहुत प्यार है, और मैं मैन्युफैक्चरिंग, मुझे पता है कि बिना मैन्युफैक्चरिंग के या किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे वो इंटेक्स हो चाहे कोई अन्य ब्रांड हो, जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, जब तक वो प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करेगा या इनोवेशन खुद नहीं करेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। बट इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर आपने कैसे इसको मैनेज किया? ये मैंने बताया आपको कि व्यापारी जो है स्वभाव से, जो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी तो होनी पड़ेगी, और अगर आप बिटन पाथ पे चलो, यानी जिस पे लोग चल चुके हैं उस पे चलो, तो ग्रोथ नहीं आ सकती, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल भी रही है, तो उस पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है, हर चीज़ पर रखने पड़ते हैं। आज तो मोबाइल हार्डवेयर की खाली बात नहीं है, उसका जो कंटेंट है वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक नया खेल आ गया, कि भाई आपने उसमें फिल्में फ्री में दिखा दी, आपने उसमें कोई हेल्थ के टिप्स दे दिए, आज गवर्नमेंट उस पर किसानों के लिए समाचार दे रही है, तो ये भी एक है। तो लेकिन उसका स्वाद भी है, आपको हमेशा, इसको इंग्लिश में कहते हैं भी आप, यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज, आपको कभी आराम से नहीं बैठने देगा। बट अभी ये बताइए, आपकी पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बढ़त हुई है, अभी आपका कारोबार किस स्तर पे है? किस स्तर पे है मतलब आपका जो आपकी जो आमदनी है, कंपनी की जो आमदनी है, लास्ट ईयर जो 31 मार्च 2016 को हमने करीब करीब 6,500 करोड़ की सेल पे क्लोज किया, इसको रेवेन्यू जिसे कहते हैं हम लोग, और ये पिछले 4 सालों से हम लोग करीब करीब 80-90% CAGR कहते हैं, जिसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो हमने अचीव करी। तो मतलब हर पिछले 4 सालों में करीब करीब हर साल दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है,
और हम ये कोशिश करेंगे और ऐसे उम्मीद रखते हैं कि इंटेक्स आगे भी ऐसे बढ़ते रहे और हमारे भारत, मैं हमेशा कहता हूँ, देखो भारत है तो इंटेक्स है और इंटेक्स है तो हम हैं। आप मोबाइल की दुनिया से आगे भी बढ़ रहे हैं, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में भी जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सोच है? सी, हमने बताया ना, सोच सिर्फ एक ही है कि हर भारतीय के पास में, जो सिर्फ मेट्रो में भी है, मेट्रो में भी एक एक तबका या एक कैटेगरी ऐसी है जो MNC ब्रांड लेगी, क्योंकि उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी से कोई मतलब नहीं। इसको एक इंडियन ब्रांड के तौर पर बिल्कुल, और गाँव में और कस्बों में और छोटे शहरों में बेचना, और इसके बिल्कुल, और इसके बाद विदेशों में भी, हम भारत का जो तिरंगा है इंटेक्स के नाम से पूरे विश्व में फैलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी आपको टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको MNC ही प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है, आप कंपेयर करिए किसी भी चीज़ को। तो आप दाम कम कैसे रखते हैं, आप क्या कदम उठाते हैं जिससे आपको लगता है कि आप वही चीज़ सस्ते में और ज़्यादा टिकाऊ बना कर बेच पाएंगे? सबसे पहले आप दिल से काम करो, ठीक है, आप दिल से काम करोगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप, हमें पता कि MNC को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, उनका जो लेवल है उनको ज़्यादा रखना पड़ता है, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, साइज़ कंपनी का इतना बड़ा हो चुका, अच्छा फिर विदेशों से आए हैं, विदेशी कल्चर, आप इंडिया में तो हम वैसे ही जुगाड़ जानते हैं, अपने यहाँ सब जगह जुगाड़ की टेक्नोलॉजी है, इवन जो ये बड़ी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, इनका मैं पढ़ा रहा था कहीं पर कि इनके CEO कहते हैं भी इंडिया में जितना इनोवेशन हो रहा है कॉस्ट के अंदर, वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा, ये यहाँ इनोवेट करते हैं और वर्ल्ड में फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक लोगों का मानना है, एक ये मानसिकता बन गई है, लोगों की सोच बन गई है कि जो छोटे शहरों में जो सामान बिकता है उसकी क्वालिटी खराब होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है, हालांकि सस्ता होता है लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो ऐसी सोच के खिलाफ आप क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों का रोल है, ब्रांड का भी है, सरकार का भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में कंज्यूमर अवेयरनेस ज़्यादा आई है, सरकार ने भी ऐसे नियम बनाए हैं, जो कंज्यूमर फोरम्स है, लोक अदालत है या ग्राहकों की जो अदालतें हैं वहाँ पर केसेस जाते हैं, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। और ये जो वेट्स एंड मेजरमेंट वाले हैं, जो इनका महकमा है, उन्होंने भी काफ़ी एक्शन, हम तो देखते रहते हैं इसको। दूसरा कि जो ब्रांड है जिसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, वो जब लोगों के पास जाता है, मैं जब आपको बताऊं, इंटेक्स ने 96 में जब इथरनेट कार्ड शुरू किया था, लोग यही कहते थे कि तुम टेक्नोलॉजी के आदमी नहीं हो और एक मल्टीनेशनल को चैलेंज करने आए हो उस वक्त भी ये बात हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको चीज़ में वैल्यू दिखे और फ़ायदा दिखे तो आप लीजिए। तो शुरू में लोगों ने नानुकुर करी, धीरे धीरे जब उन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ किया कि यार परफॉर्मेंस सेम है, प्राइस आधा है, सर्विस अच्छा देता है, जवान का पक्का है, तो ब्रांड को लेने शुरू कर दिए। तो इसी तरह गाँव के अंदर भी ये है, जब वो लेके जाते हैं, मैं अक्सर, मेरे साथ तो एक्से किससे होते रहे, मैं एक टेलर के पास गया था अपने कपड़े सिलवाने के लिए, तो टेलर बताने लग गया कि भी मैं आपका स्पीकर यूज़ करता हूँ, जब भी आपका मोबाइल आएगा मैं आपका मोबाइल यूज़ करूँगा। गवर्नमेंट महकमों में कहीं भी जाते हैं, तो जब कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को देखता है, एक्सपीरियंस करता है, जुड़ जाता है। एक हिस्ट्री है इंटेक्स की, ये कल का ब्रांड नहीं है ना, मेरे कहने की बात ही नहीं है, किसी न किसी आदमी ने कोई इंटेक्स का प्रोडक्ट पिछले 20 सालों में यूज़ किया होगा।